नमस्कार दिलीप राउतराय आम समस्त दर्शकों को स्वागत करुच्ची प्रिय कार्यक्रम जना अजना को प्रिय दर्शक बंधु आज आम उपस्थापन करुच्चे एक विशेष क्विज कार्यक्रम जहाँकि विश्व जनसंख्या दिवस उपर आधारित विश्व जनसंख्या जहाँकि 1800 मसीहा बेलू 100 कोटी थिला ता वर्तमान 600 कोटी टपिगला जातिसंघर एक आकलन जना जाए जे 1930 मसीह विश्व जनसंख्या मात्र 200 कोटी थिला ठीक 30 वर्ष पर अर्थात 1960 मसीह विश्व जनसंख्या 300 कोटी रे पहुंची थिला एवं 1974 मसीह रे ता 400 कोटी रे पहुंची थिला एवं उद्वेगर विषय जे मात्र 13 वर्ष पर अर्थात 1987 मसीह विश्व जनसंख्या 500 कोटी रे पहुंची थिला एवं आज विश्व जनसंख्या 600 कोटी टपिगला प्रिय दर्शक बंधु ये कार्यक्रम मध्यम आम आशा करुच्छ जन सचेतनता जागृत करने कि भाव में यह उद्वेगजनक विश्व जनसंख्या को आम रोकपारे भुवनेश्वर दूरदर्शन द्वारा प्रस्तुत एवं राज्य जनशिक्षा साधन केन्द्र द्वारा प्रायोजित यह क्विज कार्यक्रम को मु समस्त दर्शकों को पुणि थे स्वागत करुच्ची एवं अभिनंदन ज्ञापन कर आम समस्त जानी आपण मो सहित एकमत हेबे जे जनसंख्या नियंत्रण रे महिला मानकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण एवं से उद्देश्य रे आज आम समस्त प्रतिजोगी मानकु महिला मानकु देछु एवं मु दूरदर्शन तरफ रु एवं राज्य जनशिक्षा साधन केन्द्र तरफ रु समस्त 25 जन महिला प्रतिजोगी मानकु स्वागत अभिनंदन ज्ञापन करुछि एवं आरंभ करुछि आज जना जना कार्यक्रम प्रथम प्रश्न विश्व जनसंख्या दिवस विश्व जनसंख्या दिवस क्यों वर्ष प्रथम थर पर जुलाई 11 तारीख में पालन होता अवतर कहीदे क्यों वर्ष प्रथम थर पर विश्व जनसंख्या दिवस आम जुलाई 11 तारीख में पालन कर माइक्रोफोन धरतु 1987 जुलाई 11 तारीख पालन कर कहीं पालन करते वर्ष जनसंख्या वृद्धि पुरस्कार स्वरूप अभिनंदन ज्ञापन कर तार आकलन अनुसार विश्व जनसंख्या क्यों दिन 600 कोटी बा 6 बिलियन रे पहुंची थिला विश्व जनसंख्या क्यों दिन 600 कोटी बा 6 बिलियन रे पहुंची थिला आपण से दिन टे कहि 2003 निश्चित 2003 ता ग्रहणीय उत्तर अनुहे 400 कोटी 1999 आपण पुरस्कार पाइ सारचोते अच्छा देखिबा आउ किए उत्तर दोचंती परिवर्तित उत्तर के दोचंती बा से उत्तर दोचंती अक्टूबर 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 12 1990 अक्टूबर 12 1990 ठीक उत्तर जोरदार ताली अपना नाटक कोनती मैडम जोशना रानी दास कोन करती मैडम हां सर कोट आछंती 6 नंबर 6 नंबर आछंती परवर्ती प्रश्न यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज रो आकलन अनुजाई 2002 मसीहा रे विश्व जनसंख्या प्राय 620 कोटी थिला पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो रो आकलन अनुसार विश्व जनसंख्या केते वर्ष रे द्विगुणित होई जीवो जो हार रे वर्तमान विश्व जनसंख्या वृद्धि होची ताहा क्यों बा केते वर्ष रे ताहा केते वर्ष रे द्विगुणित होई जीवो 53 53 वर्ष रे अपन ना आउथरे कोंतु सुजाता मिश्रा अपन निश्चित कोन पढीथिले जानि चोंते ठीक उत्तर दै चोंती सुजाता मिश्रा 53 वर्ष रे
जदि एही वृद्धिहार चली थाए तेबे 53 वर्ष रे विश्व जनसंख्या द्विगुणित हो जीवो आपण कोन करंती मैडम हाउस वाइफ ठीक उत्तर दे चंती सुजाता मिश्र परवर्ती प्रश्न 2000 मसिया में 11 तारीख रे भारतर जनसंख्या केते होइतिला 2000 मसिया रे में 11 तारीख रे भारतर जनसंख्या केते होइतिला आपण कहबे 100 कोटि 100 कोटि निश्चित आपणकर हस एवं आपणकर निश्चितता ता ठीक उत्तर 100 कोटि रे भारतर जनसंख्या पहुंचीतिला से 2000 मसिया रो मे 11 तारिख रे आपणक ना कोन मुने रमा श्री बेहरा मु 4 नंबर रु आसी एजी कॉलोनी रु आसी आपण भुवनेश्वर रु आछंती एवं ठीक उत्तर देछंती परवर्ती प्रश्न 1981 रे 1991 मध्य रे भारतर जनसंख्या वृद्धि हार 23.85% थिबा बेले ता 1991 रु 2001 मध्य रे 21.34% रहिथिला विशेषज्ञ मानक मत अनुसार जदि एही 21.34% हार रे भारतर जनसंख्या वृद्धि हुए तेबे आमे केउ मसिया सुद्धा चीन रो जनसंख्या को अतिक्रम करि जिवा जदि एही 21.34 हार रे आमे जनसंख्या वृद्धि पाए भारतर जनसंख्या वृद्धि पाए तेबे केउ मसिया सुद्धा भारतर जनसंख्या चीन को टपि जिवो एवं चीन वर्तमान जहा सबुठारो अधिका जनसंख्या थिबा राष्ट्र ताकु भारत टपि जिवो 2030 मसिया सुद्धा 2030 ठीक उत्तर नु हे 2030 ठीक उत्तर नु हे क्षमा करियो आपन कोंतु 2050 मसिया ठीक उत्तर जो बताले 2050 मसिया बेलो को भारतर जनसंख्या चीन को टपि जाइथिबो सतरे उद्वेगर विषय जनसंख्या जो गति रे जो द्रुत गति रे वृद्धि पाउछ आपनकर नाटक कोन स्मिता दास बालेश्वर पाकु नियंत स्मिता दास बालेश्वर आछ बालेश्वर आछंते मैडम आपन एते दूर आछंते आज हम 21 कार्यक्रम भाग नउछ आपन केमति लागछ जे महिला मानकर कार्यक्रम बहुत भलो लागे से आज जो हमें जो उद्देश्य राजी ने कार्यक्रम को आपन केमति भावछंते जे उद्देश्य साधित होई पारिबो हां एमति माध्यम रे दूरदर्शन होछ एते बहुत बड़ माध्यम जहाँ द्वारा लोक मैंने देखती मैंने दूरदर्शन को बहुत देखती किंतु सेति में भल भल प्रोग्राम होबे दरकार आ एई प्रोग्राम टा भी बहुत भल प्रोग्राम हमें लोक को सचेतन करे बारे निश्चय करे सहाय्य करिवो ओके धन्यवाद खूब धन्यवाद 2001 रा जनगणना अनुसार भारतर केउ राज्यर जनसंख्या सर्वाधिक भारतर केउ राज्यर जनसंख्या सर्वाधिक माइक्रोफोन धरंतु केरल केरल निश्चित नहीं कोई प्रॉब्लम थी मु आसी माइक्रोफोन देबी आपन को आपन बस बस उत्तर प्रदेश भूल उत्तर नुहे उत्तर प्रदेश संपूर्ण रूपे ठीक उत्तर थैंक यू मैडम आपन ना कोन कानन वाला प्रधान बस कोन बस कानन वाला प्रधान भुवनेश्वर भुवनेश्वर आछंती कानन वाला प्रधान कोन करंती मैडम हाउस वाइफ ठीक उत्तर दे छंती 2001 जनगणना अनुसार भारतर केउ राज्य जनसंख्या सांद्रता बा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सर्वाधिक बोली आकलन करा जायछ भारतर केउ राज्यर जनसंख्या सांद्रता डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सर्वाधिक बोली आकलन करा जायछ ए 2001 सेंसस अनुसार आपण कहबे पश्चिम बंग निश्चित आपण हसी हसी उत्तर टी दौंती ताहा निश्चित रूप से ग्रहणीय ठीक उत्तर ताले पश्चिम बंग आपण पुरस्कार नियंतु आपण नाटी कोंतु सस्मिता सतपति यूट 9 भुवनेश्वर सस्मिता नाय कोन करंती मैडम हाउस आपण मध्य गृहिणी परवर्ती प्रश्न जनसंख्या सांद्रता बा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहिले एक वर्ग किलोमीटर बसवास करथिया जनसंख्या को बुझाय 1901 रो जनगणना समय रे 1901 रो जनगणना समय रे भारतर जनसंख्या रो सांद्रता 77 थिबा बेले 2001 मसिया रे 2001 जनगणना समय रे ता केते रे पहुचिथिला 2001 मसिया रे जो जनगणना हला सेई जनगणना अनुसार हम जनसंख्या रो सांद्रता केते
ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସାନ୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଏତେ ବେଶୀ ହେଇନି, ସେ 300 ପାଖାପାଖି ଅଛି। 324 ଠିକ ଉତ୍ତର, ତାଳି, ଜୋରଦାର ତାଳି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ସର ସମ୍ପର୍କରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଣୟିନୀ ନନ୍ଦ, ହାଉସ୍ୱାଇଫ୍। ପ୍ରଣୟିନୀ ନନ୍ଦ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି 324। ଏବଂ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହା ହଉଛି 236। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର 236 ଜଣ ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଜାତୀୟ ଆଭରେଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। 1987 ମସିହା ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ, କାରଣ ଏ ଦିବସରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା 500 କୋଟି ସୀମାକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ବାସଗୃହ ସମସ୍ୟା, ପୋଷାକ ସମସ୍ୟା, ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଗୋଟିଏ ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅହେତୁକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ଯେତେ ଅଧିକ, ଯେତେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେତେ କମ୍ ହେଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କେରଳ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଶତକଡ଼ା 91% ଲୋକ ସାକ୍ଷର, ସେଠି ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି 9%। ଅଥଚ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି 21.34% ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି 15.94%, ବିହାରରେ 28.43%। ତେଣୁ ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷରତାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଘଟିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଭୁତ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଶାଲିମାର ସୋରିଷ ତେଲ, ଯେତେ ଦିନ ରନ୍ଧନ ଅତୁଟ ଏ ବନ୍ଧନ। ଶାଲିମାର ସୋରିଷ ତେଲ, ଯେତେ ଦିନ ରନ୍ଧନ ଅତୁଟ ଏ ବନ୍ଧନ। ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି ପରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 1991 ରୁ 2001 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି 21.30 ହାର ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ 15.94 ଥିଲା। ତେବେ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ 1991 ରୁ 2001 ମଧ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିଲା? 1991 ରୁ 2001 ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟ? ହଁ, ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧରନ୍ତୁ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ନାଇଁ, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନାଲେ ଡାମଣ୍ଡିଓ। ନାଇଁ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ପଚାରିଥିଲି, ଡାମଣ୍ଡିଓ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସିକିମ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିଲା ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍, 1991 ରୁ 2001 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ହେଲା, ବୃଦ୍ଧି ହାର ହେଲା, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ହାର ହେଲା, ତାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ। ସିକିମ ନୁହେଁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେରଳ। କେରଳ ନିଶ୍ଚିତ? ନିଶ୍ଚିତ, କେରଳ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ତା ଠିକ ଉତ୍ତର, ଜୋରଦାର ତାଳି। ଆପଣ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ମମତା ମୟୀ ପଣ୍ଡା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମମତା ମୟୀ ପଣ୍ଡା କଣ କରନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ? ମୁଁ ଜଣେ ହାଉସ ୱାଇଫ୍। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ମମତା ମୟୀ ପଣ୍ଡା ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ
सेक्स रेशियो बा लिंगी अनुपात कहिले प्रति हजार संख्यक पुरुष मानक अनुपात रे महिला मानक संख्या को आमे बुझी थौ 1901 रो जनगणना समय रे लिंगी अनुपात 972 थिबा बेले ता आम स्वाधीनता प्राप्ति समय रे 946 को खसी आस्थिला मोर प्रश्न 2001 जनगणना समय रे भारत वर्ष रो लिंगी अनुपात बा सेक्स रेशियो केते रेकॉर्ड करा जाय छ 2001 मसिया सेंसस अनुसार बा जनगणना अनुसार आपण धरतो माइक्रोफोन केते रेकॉर्ड करा जाय छ लिंगी अनुपात 933 निश्चित एवं ता निश्चित रूप रे ठीक उत्तर 933 आपण नाटक कोंतु अमिताभ जबल यूनिट 8 भुवनेश्वर रस आपण कोन करंतु मैडम हाउसवाइफ उनी जनसंख्या संपर्क आ गोटे प्रश्न 2001 रे जनगणना अनुसार भारत रो केउ राज्य रो लिंगी अनुपात सबुठारु कम थिला से राज्य तथाकथित प्रोग्रेसिव राज्य उन्नत राज्य सेठारे ग्रीन रिवल्यूशन मध्ये हेछि सबुज विप्लव से राज्य रे हेछि उत्तर प्रदेश ठीक उत्तर नुहे आपण किछि परिवर्तित उत्तर देबे राजस्थान नुहे को आपण पुरस्कार पाइ नहुते हरियाणा आपण माइक्रोफोन धरन तो हरियाणा निश्चित एवं ता ठीक उत्तर हरियाणा रे 861 आपण का नाम ता कोंतु प्रियंबदा साहू फुट आछन आईआरसी विलेज N5 ठीक उत्तर देछंती प्रियंबदा साहू परवर्ती प्रश्न भारत रो केउ एकमात्र राज्य एवं केउ एकमात्र केंद्र शासित अंचल रे लिंगीय अनुपात 1000 रो अधिक अर्थात सेठारे प्रति 1000 पुरुष मानक मध्य रे 1000 रो अधिक संख्याक महिला बसवास करंती केउ राज्य एकमात्र राज्य एवं केउ एकमात्र केंद्र शासित अंचल रे लिंगीय अनुपात बा सेक्स रेशियो 1000 रो अधिक आपण पुरस्कार पाइ नंती आपण पाइ आपण चेष्टा करू माइक्रोफोन धरंतु केरल राज्य मानक भितरे केरल सर्वाधिक 1000 रो अधिक एवं केंद्र शासित अंचल मध्य रे दिल्ली नुहे अरुणाचल प्रदेश नहीं कोई पौर्णांती अपन किसी परिवर्तित उत्तर दे लक्षद्वीप नहीं कोई पौर्णांती अपन कोई भाई अपन चेष्टा करूं तो डामनडीव नहीं डामनडीव नहीं है माइक्रोफोन टी पास कर दियो तो अपन चेष्टा करिए केरला और चंडीगढ़ देखिए आप क्या कौन कौन चुनते अब उसके पाई चुनते पाई नाम पंडिचेरी केंद्र शासित अंचल मध्य रे एवं राज्य मानक मध्य रे केरला राज्य मानक भितरे केरल जेउठी लिंगीय अनुपात होची 1058 एवं केंद्र शासित अंचल पंडिचेरी रे लिंगीय हार होची 1001 सेठी लिंगीय अनुपात होची 1001 ठीक उत्तर देछन ताली आपण ठीक उत्तर देथिले आंशिक ठीक उत्तर देथिले केरल किंतु केंद्र शासित अंचल रे नाम ठीक भाबरे कहि पाले नै आपण नाम मैडम को मना सबिता पाणिग्राही फ्रॉम बालेश्वर बालेश्वर आछंती सबिता पाणिग्राही एवं संपूर्ण रूप रे ठीक उत्तर दैछं केते दूर आछंती आज ये कार्यक्रम भाग नछं केंति लागो छ आपण बहुत बढ़िया लागो छ बहुत भल लागो छ भारत रो केउ राज्य रे उभय साक्षरता हार एवं लिंगीय अनुपात सर्वाधिक भारत रो केउ राज्य रे साक्षरता हार एवं लिंगीय अनुपात सर्वाधिक म आपण को सुजोग केरला केरल आपण हसी हसी एते आराम से कहउछंती ता निश्चित रूप रे ग्रहणीय उत्तर ठीक उत्तर आपण नाटक कोंतु मैडम मोना सुनीता मिश्र यूनिट 6 भुवनेश्वर आछि आपण सुनीता मिश्र आपण केरल आपण जानंती जे प्रथम संपूर्ण रूपे साक्षर राज्य बोली ताको विवेचित करिछंती यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को द्वारा ता विवेचित होईछि यूनेस्को रो मापदंड अनुसार या संपूर्ण साक्षर राज्य एवं केरल होउछि एकमात्र राज्य जोंती लिंगीय अनुपात सबुठ कम एवं साक्षरता हार सॉरी लिंगीय अनुपात सबुठ अधिक एवं साक्षरता हार मध्य सबुठ अधिक परवर्ती प्रश्न हम समस्त जानि छे जे नारी हेले पाठोई देश जीव आगे एवं आम देशर विकास प्रक्रिया रे नारी मानकर शिक्षा एवं साक्षरता अत्यंत अपरिहार्य तबे प्रथम थर पई केउ जनगणना रे जणा पड़िला जे भारतर
निरक्षर महिला मानकर संख्या थरु साक्षर महिला मानकर संख्या अधिक केउ जनगणना रे प्रथम थरु पई जणा पडिला जे निरक्षर महिला मानकर थारु साक्षर महिला मानकर संख्या भारत रे अधिक बोली जो माने वर्तमान सुजा सुजोग पाई नाथे अपन सुजोग पाई नाथे अपन चेष्टा करिवे 2001 जनगणना अनुसार जाना पड़ला तहा ठीक उत्तर ताली मैडम अपन को नाटी कुंतु तनुजरानी महापत्र इट को करले मंचेश्वर तनुजरानी महापत्र ठीक उत्तर दे छन अपन कोन करन मैडम गृहिणी परवर्ती प्रश्न ओडिसा रे साक्षरता हार 63.61 बोली 2001 रो जनगणना रे आकलन करा जाय छ सतराम पई यहा परिताप रो विषय कारण आमो राज्य रो साक्षरता हार जातीय साक्षरता हार थरु कम जातीय साक्षरता हार हेउची 65.38 तबे मोर प्रश्न ओडिसा रो केउ जिल्ला रो साक्षरता हार सबुठारु अधिक एवं केउ जिल्ला रो साक्षरता हार सबुठारु कम दुईट प्रश्न सठिक उत्तर जो मैंने देवे मुझे पुरस्कार देवी मुझे पुरस्कार मो हाथ में नहीं नौ दीटा जिलार ना कह आप मत सुजोग पाई ना मुझे टी सुजोग देवी दीटा जिलार ना कह जिले सर्वाधिक एवं क्यों जिले सर्वनिम्न खोर्धा जिले सर्वनिम्न सर्वाधिक कौ जिले सर्वनिम्न बौद्ध जिला बौद्ध जिले आउ किछ परिवर्तित उत्तर देबे आउ किछ बौद्ध जिल्ला नहे त अपन पुरस्कार पाइ नथे अपन सुनि देई कहिले ना मालकनगिरी सुनि देई कहिले ना निश्चित तो मालकनगिरी अपन माइक्रोफोन धरंत अपन ना कोन कोन पार्वती महाराणा उड आछन मैडम मंचेश्वर भुवनेश्वर आ खोर्धा जिल्ला रे सर्वाधिक 80.19 एवं मालकनगिरी रे ता होची सर्वनिम्न आपको मैं पुरस्कार दौर उत्तर टी ग्रहण कर लिंगी अनुपात सेक्स रेशियो विकास एक प्रमुख मापक ओडिशार 30 जिला मध्य गजपति जिलार लिंगी अनुपात समग्र राज्य में सर्वाधिक 2001 जनगणना यह 1031 बोली आकलन करा मोर प्रश्न ओडिशार क्यों जिलार लिंगी अनुपात सबुठारु कम ओडिसा रो क्यों जिल्ला रो लिंगी अनुपात सबुठारु कम आपन पुरस्कार पाई सारछंती जो माने पाई नांती मु तांको सुजोग देबी ओडिसा रो क्यों जिल्ला रो लिंगी अनुपात सबुठारु कम एवं ता मध्य तथाकथित प्रोग्रेसिव जिल्ला उन्नत जिल्ला बोली कहिले अत्युक्त हेबनी आपन पुरस्कार बर्तन सुद्धा पाई नांती आपन चेष्टा करंथ नयागढ़ नयागढ़ पखापाखि दौंते कि ठीक उत्तर नुहे खोर्धा खोर्धा जिला ठीक उत्तर आप नयागढ़ जिला कही देते ठीक उत्तर नुहे खोर्धा जिला ठीक उत्तर आप अच्छा मैडम परवर्त प्रश्न 2001 सेंसस अनुसार भारत ये चारिटी राज्य को सेमानकर साक्षरता हार अनुसार अधिक रु कम क्रम सजाड़ी कहतु राज्य राज्यगुड़िक मिजोराम केरल महाराष्ट्र एवं गोवा मिजोराम केरल महाराष्ट्र एवं गोवा ये चारिटी राज्य को आपण साक्षरता हार अनुसार अधिक रु कम क्रम सजाड़ी कहते आप चेष्टा करूँ केरल मिजोराम महाराष्ट्र गोवा ठीके सामान्य केरल मिजोराम गोवा महाराष्ट्र केरल मिजोराम गोवा महाराष्ट्र ठीक उत्तर आपण सभा शेषरे पुरस्कार पाइले बहुत चेष्टा करथ आपण आटा कोंथ सुजाता मिश्र ओल्ड टाउन बीबीएसआर 2001 रो जनगणना अनुसार भारतर केते भाग लोक ग्रामांचल रे एवं केते भाग लोक शहरांचल रे बसबास करंती प्रश्नटी दोहरे दौर 2001 रो जनगणना अनुसार भारत केते भाग लोक शहरांचल रे एवं केते भाग लोक ग्रामांचल रे बसवास करते अंत तो अनुमान लगे पारे मुझे जो मैंने प्रश्नटी उत्तर जान ना अंत तो अनुमान कले मु भावुँ उत्तर टी मिल जाए केवल गोटे हाथ उठी जो मैंने प्रश्न रश्नर
पुरस्कार बर्तमान सुधा पाई तेज आपको मुझे प्रथम सुजोग दूसरी माइक्रोफोन आशा कर षाठी भाग सहरांचल ना बर्तमान सुधा ग्रामांचल भारत वर्ष बर्तमान सुधा ग्रामांचल रोच आम बर्तमान सुधा भी कही पारा जे इंडिया लिवस इन विलेजेस एवं ग्रामांचल विकास ही भारत विकास षाठी भाग लोक ग्रामांचल ना कही पार ना आगे चेस्टा करेंगे 22 and 27.28 क्यों जनगणन प्रथम थर पर जना पड़ा जे भारत में साक्षर मानक संख्या निरक्षर मानक संख्या ठार अधिक प्रश्नटी दोहरे देउची क्यों जनगणन जना पड़ा जे भारत में साक्षर मानक संख्या निरक्षर मानक संख्या ठार अधिक 1991 ठीक उत्तर माइक्रोफोन आपण प्राइस टी धरंतु माइक्रोफोन टी धरंतु आपण नाटी कोंतु मोना सीतारानी राउत मु कटक अरुणोदय नगर आसी कटक रु आछंती बहुत चेष्टा परे सफल हेचंती दंभक्ति सहित कहू नथिले 1991 ठीक उत्तर अपन करंती मैडम मु गोहिन आपण आटा अथि कोंतु सीतारानी राउत मु अरुणोदय कटक अरुणोदय नगर आसी ठीक धन्यवाद 2004 मसिया रे करा जायथिबा नमूना सर्वेक्षण अनुसार भारत के राज्य शिशु मृत्यु हार सर्वाधिक भारत के राज्य शिशु मृत्यु हार सर्वाधिक मध्यप्रदेश ठीक उत्तर आपण नाटा कहतु विद्युलता स्वाई कृष्णपुर जंकिया जोर कहतु मैडम विद्युलता स्वाई जंकिया रु आछंती ग्राम हो जी कृष्णपुर कृष्णपुर खोर्धा जिलार कृष्णपुर खोर्धा जिलार कृष्णपुर आछंती एवं आज कार्यक्रम शेष पुरस्कार पाउचंती समस्त करताली अभिनंदन ज्ञापन करू तबे प्रिय दर्शक बंधु आज समस्त प्रश्न उत्तर सरी जाइछि आम आशा करूछु विश्व जनसंख्या दिवस संपर्क यो क्विज कार्यक्रम आम आयोजन करथिलु ए आपण मानकु सचेतन कराइथिबो जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण करबा पई आम ठिकणा जना जना मार्फत निर्देशक दूरदर्शन केन्द्र भुवनेश्वर 751005 एवं आम ईमेल आई डी होती dd_jana@yahoo.co.in कार्यक्रम को समाप्त करुछु नमस्कार।